कतर के साथ भारत के साथ समझौते हुए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कतर से बिजनेस लीडर्स को भी भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया है। स्विट्जरलैंड जाने से पहले पीएम मोदी ने भारतीयों के बीच भाषण दिया है। पांच देशों की यात्रा के अपने दूसरे पड़ाव पर पीएम मोदी कतर में रहे, जहां कतर की राजधानी दोहा में उन्होंने कारोबारियों से मुलाकात की। इस बीच दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समझौता होने के बाद पीएम मोदी ने भारतीयों से मुलाकात की और उनके बीच भाषण दिया। इस दौरान दापना हॉल में मौजूद लोगों ने पीएम मोदी के नारे लगाए और देश बदल रहा है के नारे भी लगाए गए। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की छवि सुधरी है और ये बदलाव आप जरूर महसूस करते होंगे। आकर्षण बढ़ा है, भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है, तो बदला हुआ आप जरूर महसूस करते होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सूखे के बावजूद देश की ग्रोथ रेट 7.9% है। हिंदुस्तान विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। वहीं करप्शन पर भी पीएम मोदी ने कहा कि करप्शन ने हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। हमने ठान लिया है कि इस दीमक से देश को मुक्ति दिलानी है। भ्रष्टाचार ने हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर दिया है और हमने ठान लिया ये भ्रष्टाचार रूपी दीमक से देश को मुक्ति दिलानी है। तो मैंने भी कईयों की मिठाई बंद कर दी। कतर के अपने इस दौरे पर पीएम मोदी ने बिजनेस लीडर्स को भारत आकर यहां के सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की भी अपील की। रिपोर्ट A to Z न्यूज़।